தன்னம்பிக்கை மற்றும் மன வலிமையுடன் பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் திறமையை வெளிப்படுத்துங்கள் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார். டோக்கியோவில் வருகிற 24ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி வரை பாரா ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன. இப்போட்டிகளில் 54 வீரர் வீராங்கனைகள் கொண்ட இந்திய குழு பங்கேற்கிறது. மொத்தம் 9 வகையான போட்டிகளில் இவர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். இந்நிலையில் பாரா ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்கும் இந்திய குழுவினரை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடன் காணொலி மூலம் இன்று கலந்துரையாடினார். நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் போட்டியில் பங்கேற்கும் வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு உடல் வலிமையுடன் மன வலிமையும் மிகவும் அவசியம் என்றும் வெற்றி தோல்வி பற்றி கவலைப்படாமல் வீரர்கள் தங்களது முழு திறமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார். उस पर वर्कशॉप और सेमिनार्स इसकी व्यवस्था लगातार करते रहे हैं. हमारे ज्यादातर खिलाड़ी छोटे शहरों कस्बों और गांवों से आते हैं, इसलिए एक्सपोजर की कमी भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है. नई जगह, नए लोग, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, कई बार ये चुनौतियां ही हमारा मनोबल कम कर देती हैं. इसलिए यह तय किया गया कि इस दिशा में भी हमारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. தமிழகத்தின் சேலத்தை சேர்ந்த பாரா ஒலிம்பிக் தடகள வீரரும் கேல் ரத்னா விருது பெற்றவருமான மாரியப்பனுடனும் பிரதமர் கலந்துரையாடினார். This time मेरा अच्छा ट्रेनिंग कर रहा सर. साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई अच्छा सपोर्ट, हमारा गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट है सर. And Tamil Nadu government and Paralympic Committee of India अच्छा सपोर्ट है this time. And मेरा गोल्ड मेडल and रिकॉर्ड कर देते. मरियप्पन आप तो गोल्ड विनर है और अब आप मेरे जैसे सिनेमा जगत के एक्टर भी बाद में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन जाते हैं, वैसे आप भी प्लेयर भी हैं और कोच भी बन गए हो. आप देश के नौजवानों को, खास करके एथलेट के संबंध में जिनकी रुचि है, इनको क्या संदेश देना चाहते हो, क्या मैसेज देंगे आप? हाँ देखिए, आप भी ये मरियप्पन से कुछ सीखिए, नई नए खेल सीखिए, आप भी दुनिया में पहुंच जाओगे. और सरोजा माँ है तो सरोजा अम्मा जरूर आप दोनों भाइयों को बहुत आगे बढ़ाएगी. मरियप्पन जी, आप आपका परिवार पूरे देश के लिए प्रेरणा है. मुझे बताया गया कि आप पर एक बायोपिक भी बन रही है. मुंबई की फिल्मी दुनिया के लोगों का बड़ा मन और तमिलनाडु में भी सबका मन आपकी तरफ ध्यान केंद्रित हुआ है. आपने अपनी मेहनत से कहां तक की यात्रा पूरी की है. आप अपनी हिम्मत और मेहनत को जारी रखिए. आप पूरे देश का आप पर भरोसा है, जमकर खेलिए और पूरी ताकत लगा लीजिए. मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं. और जैसे हर बार मैं आप लोगों को मिलता हूं, इस बार भी जब आप विजयी होकर के आएंगे, मैं जरूर आप लोगों के साथ बैठूंगा और आपके अनुभव जानने की कोशिश करूंगा. இதேபோல் பாரா ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்கும் இதர வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுடன் பிரதமர் கலந்துரையாடி அவர்களை உற்சாகப்படுத்தினார். இதனிடையே சேலம் மாரியப்பனின் தாயார் மற்றும் குடும்பத்தினரிடமும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி மூலம் உரையாடினார். மாரியப்பன் மீண்டும் இந்தியாவுக்கு தங்கப்பதக்கம் வென்று நாடு திரும்ப வேண்டும் என்று தாம் இறைவனை பிரார்த்திப்பதாக பிரதமர் அப்போது குறிப்பிட்டார். மாரியப்பனின் உணவு பழக்கம் என்ன என்பது குறித்தும் அவரது தாயாரிடம் பிரதமர் ஆர்வத்துடன் கேட்டறிந்தார். तो आप बता सकती हो कि मरियप्पन को क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? सर नाटवल सर सापड़ कुड़पूं सर सूप कुड़पूं सर. देखिए मैं देख रहा हूं, जब आप वर्णन कर रही हो तो मरियप्पन के मुंह में पानी छूट गया है. हाँ कौन भाई ट्रांसलेट कर रहे थे, बताइए. सर इन्होंने कह रहा कि देसी मुर्गी अच्छा लगेगा, उनका सूप भी पसंद करके पिएगा सर. अच्छा आपके भाई कुमार भी मेरे सामने है.
वणकम सर। हाँ वणकम कुमार, तो तुम भाई के लिए क्या कहना चाहोगे? இந்நிலையில் பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்த மாரியப்பனின் தாயார் சரோஜா பிரதமருடன் உரையாடியது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றும் மாரியப்பன் மீண்டும் பதக்கம் வெல்ல பிரதமர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாகவும் கூறினார். It's only because of your sacrifice, आपके त्याग और बलिदान के कारण आज मरियप्पन आज टोक्यो की तरफ जा रहा है और देश की सारी आशाएं उसके तरफ है। आप याद करते हो कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसने अपने पैर खोया, लेकिन फिर भी आपने उसको इस प्रकार से हिम्मत दी, तो देश के लोगों को आप क्या कहोगी? சார் நல்லதா பண்ணுவாங்க சார், கோல்டு மெல்லு சார், கஷ்டப்பட்டு சார் கோல்டு மெல்ல அடிச்சு சார் இந்திய அளவுக்கு பேர் வைங்க சார், இன்னும் கோல்டு மெல்ல அடிக்கணும்னு சொல்லி நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிட்டு இருக்கிறேங்க சார்.